नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर, ये रेट एनालिसिस सीरीज का हमारा सातवां वीडियो है। आज के वीडियो में हम देखेंगे ब्लॉक मैसनरी या फिर कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं। आज के वीडियो में हमने एसी ब्लॉक का रेट एनालिसिस कंसिडर किया है। इसमें अलग अलग थिकनेस के हिसाब से उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, जैसे पर यूनिट कितने ब्लॉक रखते हैं, पर यूनिट उसका कितना कॉस्ट आता है, तो ये हम आज डिटेल देखेंगे। रेट एनालिसिस में कंक्रीट ब्लॉक का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक रेट्स लेते हैं, मटेरियल यूनिट रेट पर रुपीस। सीमेंट का हमने 320 रुपीस पर बैग कंसीडर किया है, सैंड का 2773 रुपये प्राइस कंसीडर किया, मतलब क्यूबिक मीटर में डिवाइडेड बाय 2.83 किया तो 2473 रुपये 50 पैसा क्यूबिक मीटर कंसीडर किया। एसी ब्लॉक का 80 रुपीज पर नंबर कंसिडर किया है और कॉन्क्रीट M15 का 5000 रुपए कंसिडर किया है और रेनफोर्समेंट स्टील का 50000 रुपए पर मेट्रिक टन कंसिडर किया। ये सब रेट मैंने टेंटेटिव कंसिडर किए हैं, ये एज पर मार्केट चेंज होते रहते हैं, इसमें आप ये जस्ट रेफरेंस के लिए लिए हैं। अभी पहला आइटम क्या है, प्रोवाइडिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग वॉल विथ लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक, मतलब एसी ब्लॉक ऑफ साइज 600x200x200 लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ और उसका स्ट्रेंथ नॉट लेस देन 3 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और सीमेंट मोटर 1:6 है और इसका IS 2185 और 200 mm थिक वॉल के लिए। तो एनालिसिस करते समय हम पहले कंसिडर करेंगे 10 स्क्वायर मीटर के लिए या फिर 1 क्यूबिक मीटर के लिए या 1 क्यूबिक मीटर के लिए। अभी एसी ब्लॉक कंसिडर किया 200x200x600, तो कितना लगता है, तो एक में 1/0.6 × 0.2 × 0.2 मतलब कितना नंबर्स लगता है, 42 नंबर लगेगा। इसके बाद रेट कितना है उसका, 80 ऊपर हमने रेट लिया है और अमाउंट इतना हो गया। इसके बाद वेस्टेज हमने 5% पकड़ा है और सीमेंट 1.21 पकड़ा है। कैसे आया ये, 0.28/7 -6 है इसलिए 1+6 = 7 × 1.05 × ये डेंसिटी 1440/50 ऐसे 1.2 बैग्स, तो रेट आ गया 320 और टोटल आ गया 387 रुपये। सैंड का हमने कैसे कंसिडर किया, तो सीमेंट का जितना है उसका 6 गुना ज़्यादा, मतलब ये जो है सीमेंट का उसका 6 गुना ज़्यादा हमने पकड़ा है, तो इसके हिसाब से ये आ गया अपना 0.28/7 × 1.05 × 1440/50 1.21 बैग, मतलब सीमेंट 0.28/7 × 6 1:6 × 1.05 = 0.25 क्यूबिक मीटर। तो ये 5% वेस्टेज हमने कंसिडर किया है दोनों में ही, ये ध्यान में रखिए। और इसके क्यूबिक सैंड कितना आ गया, 0.25 क्यूबिक मीटर, तो सैंड का अमाउंट कितना आ गया। स्कैफोल्डिंग का हमने 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर कंसिडर किया है और ये मोटर का 2% वेस्टेज कंसिडर किया है, ये टोटल जो है उसका 2% वेस्टेज कंसिडर किया है ज्वाइंट मोटर का। और लेबर का है 1 क्यूबिक मीटर का हमने 1000 रुपये पर क्यूबिक मीटर कंसिडर किया है जो मार्केट रेट में, ये रेट वेरी हो सकता है। इसके बाद हमने ओवरहेड और प्रॉफिट 15% ऐड किया, तो टोटल ये आ गया 831, इसका टोटल प्लस ये टोटल ये आ गया। तो रेट पर स्क्वायर मीटर कितना, ये 10 स्क्वायर मीटर का इसलिए डिवाइडेड बाय 10 किया तो 637 और रेट पर क्यूबिक मीटर 6372 क्यूबिक मीटर। ये ध्यान में रखिए, अपना मेन क्या है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितना लगता है, सीमेंट कितना लगता है, सैंड कितना लगता है, ये मेनली मटेरियल है। इसके बाद लेबर चार्जेस है, स्कैफोल्डिंग है और ओवरहेड प्रॉफिट है, और ये सब में मेन चीज में वेस्टेज सब में ऐड करना भूलना नहीं, वेस्टेज भी पकड़ना पड़ता है। अभी इसमें दूसरा आइटम है प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग प्रीकास्ट सीमेंट कॉन्क्रीट सॉलिड ब्लॉक 400x200x100 का 1:2:4 कंक्रीट का है और इसमें मोटर है 1:3 और इसके हिसाब से ये बनाना है। अभी अब एनालिसिस 1 क्यूबिक मीटर या फिर ये 100 mm थिकनेस है इसलिए 10 स्क्वायर मीटर, तो सॉलिड वर्क का साइज कितना है 400x200x100
तो क्वांटिटी कितना लगेगा, 1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.2 इंटू 0.4, तो कितना लगेगा, 40 रुपये रेट पकड़ा है, टोटल लगेगा 5,000 रुपये। और सीमेंट कितना लगेगा, सीमेंट अपना कितना लगेगा, 0.29। अब ये 0.29 कैसे आया आपको मैं बताता हूं। अभी ये देखिए, सबसे पहले ये मोटर अपना ये जो ब्लॉक है उसका साइज 0.2 बाय 0.2 बाय 0.4 2 बाय 0.1, उसके बाद उसका 10 mm थिकनेस ऐड करके ये मोटर का कितना साइज आता है, ये इतना 0.4 बाय 0.2 बाय 0.1, 10 mm थिकनेस ऐड करके 0.41 0.21 0.1, उसके बाद ये दोनों का डिफरेंस ये ध्यान में रखिए, मतलब ब्लॉक का साइज प्लस विद मोटर उसका साइज, दोनों का वॉल्यूम का डिफरेंस। और उसके बाद ये जो आता है अपना A36 मतलब इधर का, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया C35 से, मतलब C35 कितना है अपना 125 वाला। और इसका कितना 125 आने के बाद कैसे आएगा, तो ये जो अमाउंट है इसको हमने 1.54 से, वो आपको मैं बताने वाला हूँ, वेट मोटर है ड्राइव मोटर का रेशियो है, इनटू इसका 1.05, मतलब टोटल ये आ गया अपना सीमेंट का 0.29 कैसे किया ये आपको बताया हमने, 0.29 ये 0.29 डिवाइडेड बाय 4 इनटू सीमेंट का डेंसिटी 1440 भागे डिवाइडेड बाय 50 इनटू 1.54, तो ये आ गया 3.22। इसके बाद आ गया अपना सैंड, सैंड का कैसा है, ऊपर का जो क्वांटिटी आता है उसको इंटू 50 बैच सीमेंट का बैग, तो 50 kg का एक बैग रहता है, डिवाइडेड बाय उसका डेंसिटी 1440 और 1:3 है करके इंटू 3, मतलब 0.33 आ गया, तो उसका रेट इधर आ गया और ये अमाउंट आ गया, वेस्टेज 5%। अब इसके अकॉर्डिंग हमने 10 रुपये कंसिडर किया है। अब ये 100 mm थिक होने की वजह से RCC पटली हमने यूज किया है, तो RCC पटली में दो नंबर 8 mm बार है, 1 मीटर सेंटर टू सेंटर, 1 square meter में 124 रुपये वो कैसे आया वो नीचे दिया है, और लेबर 150 रुपये हमने कंसिडर किया है पर स्क्वायर मीटर, तो टोटल क्वांटिटी इतना आ गया। अभी ओवरहेड प्रॉफिट 15% ऐड करके ये आ गया टोटल। अभी हम मैं आपको पाटली का बताता हूँ, मेनली 100 mm by 100 mm का जो पाटली है उसमें दो नंबर 8 mm डाया रहता है, मेनली 1 मीटर सेंटर टू सेंटर और 6 mm डाया लिंक 300 सेंटर टू सेंटर। तो अभी 10 square meter के लिए वॉल हाइट हमने कंसिडर किया 7 मीटर, लेंथ ऑफ वॉल कैसे आ गया, मतलब ये जो 10 है डिवाइडेड बाय 7, मतलब 1.43 मीटर, स्पेसिंग 1 मीटर है, तो नंबर ऑफ स्टिफनेस कितना आ गया, C50 मतलब अपना ये जो 7 मीटर है डिवाइडेड बाय से 1 मीटर, मतलब 7 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, और नीचे का अपना ये कंसिडर नहीं करना है, -1 करके 6 नंबर आ गया। साइज इसका 0.1 बाय 0.1, तो RCC पार्टली बीम जो 100 mm थी का M15 का उसका क्वांटिटी कैसे आ गया, C53, मतलब इधर देखिए 6 नंबर इंटू C51 इंटू 1.43 इंटू E53 0.1 इंटू 0.1 F53, तो इसके हिसाब से ये क्वांटिटी आ गई यूनिट, और ये 2% वेस्टेज पकड़ के 5,000 × 1 2% 5,100 रुपये अमाउंट आ गया, 437 रुपये, लेबर का 200 रुपये कंसिडर किया हमने। इसके बाद 8 mm 12 7 कैसे आ गया, ये C51 मतलब ये लेंथ ऑफ वॉल, C53 नंबर ऑफ स्टिफनेस, और उसके बाद दो नंबर है, और उसके बाद उसका वेट है अपना 0.39, 8 mm का वेट है 0.39, इसके हिसाब से 7 kg। और ये रेट कैसे आया, 50,000 रुपये मेट्रिक टन पकड़ा है, इसको 2% वेस्टेज किया और साल्वेज वैल्यू 5 रुपये ऐड किया, इसलिए ये 56 रुपये आ गया, और ये अमाउंट आ गया। 6 mm का वैसा ही दो नंबर बार है, ये 300 स्पेसिंग है इसका, तो लेंथ ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस 1 इंटू C53 मतलब कितना, नंबर ऑफ स्टिफनर्स इंटू 0.5, क्योंकि वो हाफ हाफ इसमें आता है, इसलिए 0.5 इंटू 0.22, मतलब 0.22 इसका वेट आ गया,
टोटल ये आ गया 4 kg। रेट सेम ही है, इधर जैसा निकाला 50,000 डिवाइड बाय मतलब केजी में कन्वर्ट किया, फिर 2 रुपए का वेस्टेज प्लस 5 रुपए सर्वेज, तो ये अमाउंट आ गया। इसके बाद आ गया लेबर्स, लेबर्स का हमने 20 रुपए कंसिडर किया ये बाद में का, तो ये टोटल आ गया आपका 1242 रुपए और 10 स्क्वायर मीटर का 1 स्क्वायर मीटर का 124 रुपए, यही 124 रुपए हमने इधर ऐड कर दिया है, तो टोटल आ गया अपना 8,835, 15% ओवरहेड प्रॉफिट 1,325, 10,160 और रेट पर स्क्वायर मीटर 1,016 और रेट पर क्यूबिक मीटर 10,160। इसमें मेनली आपको मैंने जैसे बताया एक चीज ध्यान में रखना है, कंक्रीट और मिक्सचर सीमेंट फाइन एग्रीगेट बाद में कोर्स एग्रीगेट वाटर ये सब में मिक्स रहता है, जब भी पानी हम डालते हैं उसमें सीमेंट एग्रीगेट मिक्सचर में तो ड्राई मिक्सचर का वॉल्यूम वो रिड्यूस होता है, तो वो भी कैसा है परसेंटेज ऑफ वॉइड्स ड्यू टू फाइन एग्रीगेट 20% है, परसेंटेज ऑफ वॉइड्स ड्यू टू कोर्स एग्रीगेट मतलब गिट्टी की वजह से 32 से 34 34% है, और टोटल वॉइड परसेंटेज 52 से 54% आता है, तो ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम इन टू 1.54। तो क्वांटिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज कैलकुलेटेड मेनली ड्राइंग से देखते हैं, और मेनली इसका ड्राई वॉल्यूम ये ध्यान में रखना है, ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम प्लस 54% वेट वॉल्यूम, मतलब 1.54 इज द कन्वर्जन फैक्टर। हाँ मेनली ये कन्वर्जन फैक्टर है वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम, जैसे वर्किंग ऑफसेट हमने इधर 34% पड़ा वेस्टेज 20% पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए ड्राई वॉल्यूम मतलब जो रहता है उसका इक्वल टू वेट वॉल्यूम इंटू 54% वेट वॉल्यूम, जी कन्वर्जन फैक्टर 1.54 जैसा हमने इधर बताया है 2-3 जगह, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एनालिसिस करते समय, ये स्टेप बाय स्टेप देखिए और समझने की कोशिश करें, अगर कोई कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आपने देखा एसी ब्लॉक मसनरी का रेट एनालिसिस, इसमें हालांकि जो भी रेट्स हमने कंसीडर किए ये पुराने और सिर्फ रेफरेंस के लिए है, आप करंट रेट डाल के उसको कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।